तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका बृजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों रोज की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम राज्यसभा से जितने भी सवाल बन सकते हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे, कहां कहां से सवाल आते हैं और कैसे कैसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर दोस्तों राज्यसभा को समझने में आपको जरा सी भी दिक्कत आती है, चाहे वो उसके चुनाव से रिलेटिव हो या फिर उसके कार्यों से रिलेटिव हो, तो दोस्तों सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए दोस्तों मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक आते आते आप देखना कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं राज्यसभा की। तो दोस्तों थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपको विधायिका के बारे में समझाया था, मैंने बताया था कि विधायिका जो केंद्रीय विधायिका होती है उसे हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, जिसका वर्णन हमारे संविधान में 79 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए संसद हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 79। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है दोस्तों संसद के कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 3। पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर होती है दोस्तों राज्यसभा, तीसरे नंबर पर होती है दोस्तों लोकसभा। राष्ट्रपति चूंकि दोस्तों ये संसद का भी हिस्सा है और ये कार्यपालिका का भी हिस्सा है, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका का एक मैंने अलग से वीडियो बना करके डाला था, अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप देख लें। तो कार्यपालिका के जो शिखर पर होता था राष्ट्रपति होता था, आर्टिकल 52 से इसकी शुरुआत होती थी, तो हमने दोस्तों राष्ट्रपति को कार्यपालिका के रूप में पहले ही पढ़ लिया है। अब चूंकि कल हमने विधायिका की शुरुआत की थी तो विधायिका के भी 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों अंग तो संसद के 3 होते हैं लेकिन इसके सदन 2 ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों विशेष तौर पर वो राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कल से हमने विधायिका शुरू कर दी है, कार्यपालिका हम संपूर्ण खत्म कर चुके हैं। तो विधायिका में जो पहला अंग है हमारा राज्यसभा, इसको आज हम सही से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं राज्यसभा की। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है राज्यसभा की जो व्याख्या है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आपका जवाब होगा 80, यानी कि 80 के अंतर्गत राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी संरचना के बारे में हम बात कर लेते हैं। संरचना, आखिर राज्यसभा की संरचना कैसी होती है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत करेंगे हम इसकी सीटों से। इसके अंतर्गत जो अधिकतम सीटों की संख्या रखी गई है दोस्तों वो कितनी रखी गई है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि राज्यसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो 250 है। 250 का मतलब ये हुआ कि 12 दोस्तों मनोनयन किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और 238 ये राज्यों से आते हैं राज्यसभा के अंतर्गत। लेकिन इस समय अगर हम वर्तमान की बात करेंगे दोस्तों, अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो इस समय जो संख्या है वो 245 है। दोस्तों आपसे ये दोनों ही प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि हमारे राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका जवाब होगा 250। ठीक, अगला सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 245। दोस्तों ये जो 12 होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ये तो वर्तमान में भी हैं, लेकिन दोस्तों 233 यहाँ पर 5 कम हो जाते हैं, 238 से 233 हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इसकी संख्या थी और यही प्रावधान है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें और आप नोट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो संरचना में सबसे पहले हमने देखा इसमें सीटों की संख्या, अब बात करते हैं दोस्तों इसके निर्वाचन की। निर्वाचन की अगर हम बात करें दोस्तों तो निर्वाचन में सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसका जो चुनाव होता है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब निर्वाचन में यानी इसके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे दोस्तों मनोनयन द्वारा, मनोनयन द्वारा। दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप
क्या होता है या राज्य की विधानसभाओं के सदस्य किस प्रकार से आते हैं, मनोनयन द्वारा किस प्रकार से मनोनीत होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहां पर इतना समझ लें कि राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, वही अपने सदस्य राज्यसभा में नियुक्त करके यानी चुन करके भेजते हैं। मनोनयन दोस्तों ये आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन 12 सदस्य किए जाते हैं। ये किस आधार पर होते हैं दोस्तों, जैसे कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति विशेष भूमिका रखते हैं दोस्तों, तो उन ऐसे ही व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में नियुक्त करते हैं। ये हमेशा दोस्तों रहते हैं, जब से संविधान हमारा बना है लगभग ये हमें देखने को मिलता ही है। अप्रत्यक्ष रूप इसको आप ऐसे समझें कि आप सीधे जाकर के वोट नहीं डालते हैं, आपके द्वारा चुना गया कैंडिडेट किसी दूसरे कैंडिडेट को चुनता है, तो दोस्तों उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। अब दोस्तों इन दोनों टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मनोनयन द्वारा ये आप लिख लें पहले तीनों, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये तो आप समझ ही चुके हैं कि मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन क्योंकि हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी था। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 100,000 है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 100,000 है, वहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है। क्या मैंने सही कहा? नहीं, गलत कहा, क्योंकि दोस्तों जब भी राज्यों में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है तो ये आम भाषा में हम कह देते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, जबकि रियलिटी ये है दोस्तों कि मुख्यमंत्री आप और हम नहीं चुन सकते, क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री पद की क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम किसे वोट देते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा आपके ही क्षेत्र का कोई व्यक्ति आता है जिसे हम विधायक कहते हैं, वो विधायक पद का उम्मीदवार होता है, और ये 100,000 की जनता अगर उससे सहमत है तो उस एक व्यक्ति को वोट दे देगी। किसको वोट दे देगी दोस्तों? विधायक को वोट दे देगी। विधायक जैसे ही जीत कर जाएगा तब दोस्तों ये राज्य की विधानसभा में बैठेगा। कहाँ बैठेगा? राज्य की विधानसभा के अंतर्गत बैठेगा। विधानसभा राज्य में ही होती है, राज्य मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों ताकि आपको केंद्र में कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो 100,000 व्यक्तियों ने विधायक को चुना और ये विधायक बैठेगा विधानसभा में जाकर के। तो ये दोस्तों केवल राज्य का एजेंडा है, ये कहाँ का एजेंडा है? राज्य का एजेंडा है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं केंद्र स्तर पर भी सरकार बनती है। अब दोस्तों जब केंद्र स्तर पर सरकार बन गई तो आपने देखा होगा केंद्र सरकार भी देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण फैसले ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि उसको भरोसा होता है, ठीक है, कि हमें देश के और आगे विकास की ओर ले जाना है। लेकिन दोस्तों जरा आप सोचिए, केंद्र अगर अपनी ही मर्जी से सारे फैसले लेने लगी तो उसमें हमारे राज्यों की भूमिका क्या रह जाएगी? जो हमने यहाँ पर वोटिंग की थी, हमने अपने विधायक को जिताया था, उसकी भूमिका क्या रह जाएगी? इसीलिए दोस्तों केंद्र में हमारा भी सहयोग बराबर रहे, तो आपने जिस विधायक को चुना यही विधायक दोस्तों यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे। ये केवल एक एग्जाम्पल है, एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसलिए आप ज़्यादा मतलब ये मत कहना कि एक ही व्यक्ति क्यों चुन रहे हैं, है ना, ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है, इसको केवल आप एग्जाम्पल के तौर से लें। तो आपने देखा आपने विधायक को चुना और विधायक केवल विधानसभा में बैठा, इस बेचारे की क्या बाधा थी? इसकी विधायक की बाधा ये थी कि आपने इसको जिता तो दिया लेकिन ये केंद्र में जाके नहीं बैठ सकता। केंद्र में नहीं बैठ सकता दोस्तों तो आपकी बात यानी इन 100,000 व्यक्तियों के हित की बात केंद्र में करेगा कौन? भाई वोटिंग आपने की, बेचारे ये विधानसभा में जा करके बैठे, इनकी बाध्यता ये है ये केंद्र में नहीं जा सकते, ये और ये केवल विधानसभा तक ही सीमित रहते हैं, तो इन 100,000 लोगों की बात केंद्र तक ले जाएगा कौन? तो इसलिए दोस्तों यही विधायक, विधायक मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ विधानसभाओं के सदस्य, तो विधानसभाओं का जो सदस्य हुआ वो विधायक हुआ, तब ये विधायक दोस्तों अपना एक कैंडिडेट यहाँ चुनेंगे और उसको भेजेंगे राज्यसभा में। राज्यसभा में जैसे ही ये व्यक्ति भेज देंगे तब दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी भागीदारी भी अब केंद्र में हो गई है, यानी प्रत्येक राज्य की भागीदारी राज्यसभा में हो गई है। अब दोस्तों इनका कार्य क्या होता है जो यहाँ पर चुनकर जाते हैं? अब दोस्तों ये कहलाते हैं सांसद, राज्यसभा सांसद, क्योंकि आपके विधायक ने जो राज्यसभा में सदस्य भेजा चुन करके वो कहलाएगा राज्यसभा सांसद। अब इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य दोस्तों ये होगा कि मान लो ये किसी एक विशेष राज्य से आया तो ये अपने राज्य की बाधाओं को केंद्र को बताएगा,
केंद्र में अपने राज्य की समस्याओं को बताएगा कि हमारे राज्य में ये समस्याएं चल रही हैं और इनका ये समाधान होना जरूरी है, पहली बात। फिर दूसरी बात दोस्तों, केंद्र स्तर पर अगर कोई बिल बनता है, अगर कोई कानून बनता है, तो दोस्तों केवल केंद्र अपनी मर्जी से ही ना कर ले, राज्य की भूमिका भी रहे, इसलिए दोस्तों ये वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी सहमति भी उनमें ली जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य की भूमिका भी पूरी पूरी कोई भी बिल बनने में रहती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो सदस्य चुन के जाते हैं राज्यसभा के, ये अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र सरकार के अंदर, यानी कि संसद के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों यहां से आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई, आपने चुना विधायक को, विधायक ने चुना आपके सांसद को, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट तो वोट नहीं डाला है ना, आपने विधायक को दिया, विधायक ने इनको दिया, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से तो आपने ही दिया ना, इनडायरेक्टली रूप से ये आपने ही दिया, जिस व्यक्ति को आपने चुना उसी व्यक्ति ने किसी को चुन लिया, तो सीधा आपका ही वोट यहां पर गया, आपकी तरफ से विधायक यहां वोट डाल करके आएंगे, इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप। और विधानसभाओं के सदस्य कैसे डालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनको हम विधायक कहते हैं, ठीक है, जिन्हें आप और हम जिताते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हुए हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्या आप ये बताइए केंद्र शासित प्रदेशों की भी भूमिका क्या राज्यसभा में होती है? केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं दोस्तों, क्या उनकी भूमिका राज्यसभा में होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा था कि राज्यसभाओं के राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, केवल ये लिखा हुआ है राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। तो दोस्तों जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है तो दोस्तों वो भी भाग लेते हैं, और ऐसे केवल दो ही राज्य हैं हमारे देश के अंदर केंद्र शासित जिनमें विधानसभा भी है, एक है दोस्तों दिल्ली और एक है पुदुचेरी। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी भी राज्यसभा में अपने सदस्य भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, और केवल दो ही केंद्र शासित प्रदेश अब तक ऐसे हैं जिनमें विधानसभा विद्यमान है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों बात होती है सीटों के आवंटन की, यानी कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी। तो ये है आवंटन, आप इसको सीटों का आवंटन लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा छोटा भी लिखता हूँ, बड़ी बात को छोटे रूप में लिखता हूँ, लेकिन आपके पास समय की कोई बाधा नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप फुल नोट्स बनाएं, पूरा पूरा लिखें, ताकि आपको लंबे समय तक हमेशा के लिए याद रहे, और बाकी चीज़ों को हम आपके लिए कितना आसान बना देते हैं ये आपने देख ही लिया। तो चलिए दोस्तों अब सीटों के आवंटन की बात करते हैं। तो दोस्तों एक अनुसूची हमने पढ़ी थी, हमने जब अनुसूची की क्लास आपके सामने लाए थे तो हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो अनुसूची नंबर 4 थी, इसमें हमने आपको बताया था कि राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा उसमें सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जवाब होगा जनसंख्या के आधार पर। दोस्तों ये कई बार सवाल आपसे पूछा गया है, और आगे भी प्रबल संभावना रहती है कि इस प्रकार के सवाल आगे भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी राज्यसभा में उसकी सीटें उतनी ही ज़्यादा होंगी, जहाँ जितनी कम होंगी वहाँ उतनी ही कम सीटें मिलेंगी, ठीक है। आपसे पूछा जाता है क्या सीटों का आवंटन क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है, भाषा के आधार पर किया जाता है, धार्मिक आधार पर किया जाता है, या फिर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो आपका जवाब होगा जनसंख्या के आधार पर। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से होता दोस्तों तो शायद राजस्थान को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि राजस्थान हमारे देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। चूँकि दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है, इसलिए राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जो सीटें दी गई हैं वो उत्तर प्रदेश को दी गई हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, मैंने कल भी बताया था, चाहे आप कल का वीडियो देख लेना, ठीक है। अब दोस्तों सीटों का आवंटन आपने समझ लिया जनसंख्या के आधार पर यह होता है, लेकिन दोस्तों वर्तमान की जनसंख्या के आधार पर नहीं होता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ती रहती है, किसी की घटती रहती है, लेकिन आपने देखा होगा एक समय से, मतलब एक जमाने से दोस्तों राज्यसभाओं की सीटों की संख्या जो है वो
अभी तक सेम ही बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसका कारण सिर्फ ये है दोस्तों कि ये वर्तमान जनसंख्या के आधार पर नहीं है, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। एक संविधान संशोधन हुआ था 84वां 2001 में, उसमें ये कहा गया था कि जो 1971 की जनसंख्या थी उसी के आधार पर हम सीटों का आवंटन करते रहेंगे 2026 तक। 2026 आ जाएगी तब दोस्तों शायद नया कानून आ जाए या फिर ये साल परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों योग्यता की, मतलब अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप देखते ही हैं योग्यताओं में, भारत का नागरिक हो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या पूरी कर चुका हो, और लाभ के पद पर ना हो। और इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर चौथा पॉइंट बनाकर कि दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात पागल नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक हो ये आप लगभग हर पद पे देखते हैं, या 30 वर्ष की आयु, यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपने देखा राष्ट्रपति की अलग होती है, लोकसभा के सदस्य की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। तो दोस्तों अगर हम समझाएँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा जो कि ये संसद के अंग थे अभी हमने आपको समझाया, तो दोस्तों आपको इधर से शुरू करना है। कहाँ से? इधर से शुरू करना है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर होती है दोस्तों 25 वर्ष, यहाँ पर होती है 30 वर्ष, और यहाँ पर होती है 35 वर्ष। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35, इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आयु कितनी होती है, उम्र कितनी मांगी जाती है? न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 30 वर्ष, क्योंकि अधिकतम आयु हमारे संविधान में किसी भी पद के लिए, शायद जो संवैधानिक पद होते हैं उनके लिए नहीं है। प्रधानमंत्री की भी न्यूनतम आयु है, अधिकतम नहीं है, मतलब 100 वर्ष का, 150 वर्ष का, 300 वर्ष का अगर ऊपर वाला मेहरबान रहा तो वो भी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बन सकता है। लेकिन हाँ, इनकी न्यूनतम आयु रखी गई हैं, जैसे कि लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति में 35। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी योग्यता थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, योग्यता के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कार्यकाल। कार्यकाल को लेकर के दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है। किसका? राज्यसभा की बात चल रही है तो आप राज्यसभा का ही लें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो कार्यकाल है ये एक सदस्य का होता है, मतलब राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, तब भी आप 6 वर्ष ही लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तब भी आप 6 वर्ष ही लगाएंगे। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होती है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों उसमें आप 5 वर्ष मत लगा देना, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। प्रसाद प्रयत्न का क्या मतलब है दोस्तों, ये मैंने आपको प्रधानमंत्री में बताया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बात तो दोस्तों इस संविधान में है कि हमारी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और एक सदस्य का जो उसके कार्यकाल होगा वो भी 6 वर्ष का होगा। लेकिन दोस्तों एक अनुच्छेद है 83 और इसका पहला, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर 6 वर्ष का कार्यकाल है तो ये 2 वर्ष पर आप अवकाश कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको थोड़ा सा बता दें कि राज्यसभा को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि हम इसको उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन भी हम किसको कहते हैं, ये भी आप दोस्तों लिख लेना, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई बार पूछा गया उच्च सदन कौन सा है, तो आप कहेंगे राज्यसभा। और इसी को हम कहते हैं स्थाई सदन, मतलब कभी ना भंग होने वाला सदन, क्योंकि लोकसभा आप जानते हैं हर 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसका जवाब हम यहीं पे देंगे, आप थोड़ा सा रुके रहें। ठीक है, और इसको दोस्तों विशेषज्ञ सदन भी कह देते हैं, विशेषज्ञ सदन,
क्यों कह देते हैं? क्योंकि आप जानते हैं इसमें विशेष तौर पर लोग जो है सेलेक्ट होकर जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय भी अगर उनको उसमें नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो वो भी विशेष ही होते हैं अपने क्षेत्र में। तो इसलिए इसको दोस्तों विशेषज्ञ सदन, स्थायी सदन और उच्च सदन तीनों आपसे पूछा गया है, इसलिए आप इसको जरूर नोट करें। अब देखते हैं दोस्तों स्थायी सदन किस प्रकार से इसको कहा जाता है। तो मोटा मोटा तो आपने समझ ही लिया कि जो सदन कभी भंग नहीं होता उसको हम स्थायी सदन कहते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कैसे हुआ तो इसको हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। दोस्तों आप मान करके चलिए, केवल मान करके चलिए, ऐसा होता नहीं है, सीटें मैंने अभी बताई हैं, लेकिन आप मान करके चलें किस, मान लो किसी राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है वो 99 है। अब 99 का आप 1/3 करेंगे तो दोस्तों ये 33 आएगा, है ना, कितना आएगा 33 आएगा। तो इसलिए आप मान करके चलें कि राज्यसभा की संख्या कितनी है, 99 है। ये आपने एक बात समझी। अब दूसरी बात यहाँ पर समझिए कि 2014, 2016, 2018, 2020 और 2022। अब एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने कहा कि हर 2 साल बाद प्राप्त करेंगे अवकाश, इसमें एक बात खुद ब खुद निहित है कि हर दो वर्ष पर चुनाव होगा। यह भी आप नोट कर लें भाई, अवकाश प्राप्त करेंगे तभी तो नए आएंगे, और नए कैसे आएंगे जब चुनाव होगा, तो हर 2 वर्ष पर चुनाव भी होगा। देखो पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ, यहाँ चुने 33 व्यक्ति, क्योंकि 1/3 का रोल हम लेकर चलते हैं। फिर अगले 2 साल आए, 2014 से 2 साल बाद 2016 आई, यहाँ पर भी 33 सदस्य चुने, मतलब चुनाव हुआ। फिर 2018 में चुनाव हुआ, फिर यहाँ पर 33 चुने। तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि हर 2 वर्ष पर चुनाव होगा। यहाँ भी चुनाव हुआ, फिर 2 वर्ष बाद यहाँ भी चुनाव हुआ, 2 वर्ष बाद यहाँ भी चुनाव हुआ। अब देखते हैं दोस्तों कि 1/3 सदस्य कैसे अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। देखो 2014 से 16 तक 2 साल, यहाँ तक 4 साल और यहाँ तक 6 साल, यहाँ तक 6 वर्ष पूरे हो गए। मतलब जो यहाँ पर ये 33 व्यक्ति थे एक सदस्य के रूप में, इनके 6 साल कहाँ पर पूरे हो रहे हैं, 2020 में। 2014 से 2020 तक 6 वर्ष इनके पूरे हो गए। अब दोस्तों चुनाव पे चलो, चुनाव 2018 में हुआ था, 33 अभी चुने गए थे, है ना। अब दोस्तों होगा क्या, इनका तो कार्यकाल 6 वर्ष का आप देख रहे हैं, यहाँ पर समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही ये 33 यहाँ से समाप्त हुए, अगले 33 के लिए अगले वर्ष चुनाव हो जाएगा, तो लोकसभा की संख्या फिर इतनी हो गई। हो गई ना हो गई 99, ये भंगी नहीं हुई। अब अगली बार क्या होगा, जो सदस्य 2016 में चुने गए थे 33, उनका कार्यकाल दोस्तों 2022 में पूरा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये अवकाश ग्रहण कर लेंगे। और इस यहाँ जो चुनाव हुआ था अभी 2020 में, अब 2022 में होगा, 33 फिर चुन लिए जाएंगे, तो दोस्तों फिर ये संख्या 99 हो जाएगी। तो इसलिए प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होता रहता है, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कार्यकाल से रिलेटिव। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। इसकी जो व्याख्या है दोस्तों वो अनुच्छेद 89 में की गई है, लेकिन केवल सभापति की जो व्याख्या है वो 64 में भी है, आर्टिकल 64 में भी है, 89 में भी है, लेकिन 89 में दोनों की है। अब दोस्तों आपने कोई समूह बनाया, आपको उसका हेड भी चाहिए ना, आप अपने एक समूह का मुखिया भी बनाना चाहेंगे कि हमारा जो ग्रुप है इसका एक मुखिया हो, तो आप क्या करेंगे, आप जितने भी लोगों का आपका सदन मतलब आपकी सभा है, तो आप सबके सब किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे, है ना। आमतौर पर यही होता है, हर जगह यही होता है, लोकसभा में भी लोकसभा के सदस्य अपना मुखिया चुन लेते हैं, और विधानसभा में भी विधानसभा के सदस्य अपना मुखिया चुन लेते हैं, विधान परिषद में भी विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य अपना मुखिया चुन लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं होता, राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वो कौन होता है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये एकमात्र ऐसा सदन है कि जिसका मुखिया इसी सदन का सदस्य नहीं होता, और ना ही इसके सदस्य अपना मुखिया चुनते हैं। तो कई बार आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा सदन है कि जिसका सभापति या जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य ही नहीं होता, तो वो क्या है, राज्यसभा है। और
ऐसा कौन सा सदन है कि अपने मुखिया को या अपने अध्यक्ष सभापति को चुनने के लिए वो खुद मतलब अकेले खुद नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट तो होता है उनका भी लेकिन अकेले नहीं चुन सकते हैं, लोकसभा के साथ चुन सकते हैं। तो दोस्तों वो भी यही सदन है। तो जो सभापति होता है वो अपने सदन का सदस्य नहीं होता। अब सभापति क्यों चाहिए दोस्तों, ये एक तरीके का अध्यक्ष ही होता है। कैसे, ये राज्यसभा का संचालन करता है, किस व्यक्ति को कितनी देर बोलना है, क्या बोलना है, सबकी बातें सुनता है, ठीक है, फिर उनके प्रति अपनी जो राय होती है वो भी रखता है। तो वोटिंग का अधिकार भी इन्हें नहीं होता है, लेकिन ये निर्णायक स्थिति में वोट डाल सकते हैं जब वोट बराबर बराबर हो जाएं, 50% इधर 50% इधर, तब दोस्तों ये सभापति की हैसियत से वोट डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही इनके मतलब जैसे ही उपराष्ट्रपति बना वो खुद ब खुद राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो उपसभापति होते हैं, जो उपसभापति होते हैं उनका चयन दोस्तों राज्यसभा ही करती है। राज्यसभा के बहुमत द्वारा अपना एक उपसभापति चुना जाता है। वो क्यों चुना जाता है दोस्तों, कि अगर उनका सभापति कार्य करने की स्थिति में नहीं है, अवकाश पर है या कहीं गया हुआ है, तब सदन का जो संचालन है वो सुचारू रूप से होता रहे, इसलिए उपसभापति के पद का वर्णन किया गया है और व्यवस्था की गई है दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति जैसे कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहा, मृत्यु हो गई, महाभियोग से हटा दिया या त्याग पत्र दे दिया, तो उपराष्ट्रपति उस समय क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो ये अपना पद तो छोड़ देंगे, तो इनके पद को संभालने के लिए ही उपसभापति का चयन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब दोस्तों राज्यसभा के बारे में जानते हैं कुछ विशेष। विशेष में जो कुछ ऐसी बातें जो राज्यसभा को लोकसभा से अलग करती हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आर्टिकल 249 अनुच्छेद 349 के अंतर्गत। देखो दोस्तों आमतौर पर क्या होता है कि कोई बिल कोई विधेयक पहले लोकसभा में जाता है, वहाँ से पारित होता है, पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, वहाँ पर पारित होता है, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, वहाँ उनके हस्ताक्षर होते हैं और तभी वो बिल कानून बन पाता है। लेकिन दोस्तों कुछ विशेषताएं राज्यसभा को दी जाती हैं कि पहले बिल राज्यसभा में पारित होगा। जैसे कि एक है 249। 249 को आप लिख लें दोस्तों, कई बार आपसे पूछा गया है कि इसमें राज्यसभा को शक्ति दी गई है। राज्यसभा को शक्ति दी गई है, क्या शक्ति दी गई है कि आपने देखा होगा दोस्तों हमने जब अनुसूचियां आपको पढ़ाई थी तो हमने एक अनुसूची पढ़ाई थी सात जो अनुसूची थी उसमें दोस्तों तीन प्रकार की सूचियां थी। संघ सूची, उसमें ऐसे विषय होते थे केवल संघ ही उस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची, उसमें ऐसे विषय हो सकते थे जिसमें केवल राज्य ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, जिसमें दोनों सरकारें मिलकर के कानून बना सकती हैं। तो दोस्तों राज्यसभा को 249 आर्टिकल 249 के अंतर्गत ये एक प्रकार की शक्ति दी गई है कि अगर वो राज्यसभा का कोई भी विषय राज्य सूची में विषय कितने हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, है ना। जैसे कि आपका कानून से रिलेटिव विषय हो गया, कृषि से रिलेटिव विषय हो गया, स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य से रिलेटिव कोई विषय हो गया, तो उन पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो राज्य की होती है। लेकिन 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची में लिखित 61 विषयों में से किसी एक विषय को ये साबित कर दे कि ये विषय पूरे राष्ट्रीय महत्व का है, पूरे देश के महत्व का है, तो उस विषय पर जो कानून बनेगा वो सबसे पहले राज्यसभा में ही पारित होगा। यानी वो जो बिल बनने की जो प्रक्रिया शुरू होगी उस विषय पर राज्यसभा में ही पारित होगी और ये 2/3 बहुमत से जब ये पास हो जाएगा, राज्य सूची का कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है उस पर राज्यसभा कानून बनाएगी 2/3 बहुमत से, तब जब वो यहाँ पर पारित हो जाएगा तब दोस्तों वो लोकसभा में जाएगा, फिर केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। इसमें 61 विषय हैं, जैसे कि आजकल कोरोना महामारी चल रही है तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसमें से एक विषय आपका जन स्वास्थ्य भी है। जन स्वास्थ्य पर कानून दोस्तों ये राज्य भी बना सकती है। आपने देखा होगा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से हटके कुछ नियम बना रही हैं अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है।
तो ये अधिकार राज्य सूची का है, तो राज्य इस पर कानून बनाती ही है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे कि केंद्र केवल राय देता है कि आप तब तक लॉकडाउन लगा दें या ऐसा कर दें, लेकिन अंतरिम जो शक्ति होती है वो राज्य के पास होती है। हाँ, राज्य की जैसे कोई शक्ति है, मान लो लॉकडाउन को रिलेटिव ही ले लो, राज्य ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन दोस्तों उस पर भी अंतरिम जो आदेश होगा वो केंद्र का ही होगा, अगर वो चाहे तो उसको चेंज भी कर सकती है। लेकिन आमतौर पर आप इतना समझें कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं राज्य सरकार ही उस पर कानून बनाती है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे जो अनुच्छेद है दोस्तों, उसका नाम है 312 में जो व्याख्या की गई है दोस्तों, वो आपको बताया गया है अखिल भारतीय सेवा का सृजन, सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं दोस्तों, या फिर सृजन क्या होता है दोस्तों? सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, बनाना, इसका ही अर्थ होता है सृजन का। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है या आपकी समझ में आ रहा है, तो आपसे दोस्तों मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, और दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना। अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों हमारे देश में तीन प्रकार की पाई जाती हैं। एक है दोस्तों IAS, जिसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। एक है दोस्तों IPS, जिसको हम इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं। और एक है दोस्तों IFS, जिसको हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं, भारतीय वन सेवा। ठीक है, IFS दो प्रकार की होती है, मतलब IFS दो सेवाओं को कहा जाता है। एक होता है इंडियन फॉरेस्ट यानी भारतीय वन सेवा, और एक IFS और होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, विदेश सेवा। तो दोस्तों तीन प्रकार की सेवाएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या विदेश सेवा होती है, क्योंकि उसमें भी एफ आता है फॉरेन सर्विस, तो आप वहां पे उस पर नहीं जाइएगा, क्योंकि वन सेवा होती है ना, पुलिस सेवा, वन सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन प्रकार की सेवाएँ होती हैं अखिल भारतीय सेवाएँ। तो दोस्तों राज्यसभा में ये बिल मतलब अगर किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित करना है, किसी अन्य सेवा को अखिल भारतीय सेवा उसका निसर्जन करना है, उसका निर्माण करना है, उसको घोषित करना है, तो ये बिल भी सबसे पहले राज्यसभा में ही पारित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का जो बिल है ना, वो सबसे पहले दोस्तों राज्यसभा में ही पारित होगा। अगर ये 2/3 से यहाँ से पास हो जाता है, फिर ये जाता है लोकसभा के अंदर, लोकसभा फिर इस पर अपनी मोहर लगा देती है, अपनी सहमति जता देती है, फिर वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये अधिकार भी दोस्तों केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी बात की, क्योंकि दो बातें आपने समझी, 249 और 312। अब बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा बिल है जो सबसे पहले राज्यसभा में ही पारित होता है। अभी तक हम तीन बिल पढ़ चुके हैं, सबसे पहले 249, वो भी पहले राज्यसभा में पारित होगा। उसके बाद 312 जो हमने अभी पढ़ा, वो भी पहले राज्यसभा में पारित होगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, ये भी पहले राज्यसभा में ही पारित होगा। जैसा कि आपने देखा था दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है, तो उन पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के किसी भी सदन में बिल पारित हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो सबसे पहले राज्यसभा में ही बिल पारित होगा, और राज्यसभा अगर में अगर ये बिल पारित हो जाता है, फिर उसके बाद ये लोकसभा में जाता है, वहाँ पर अगर सहमति बन जाती है, फिर ये क्रिया पूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो ये तीन विशेषताएं आपने पढ़ी। फिर चौथी जो विशेषता है, वो विशेषता कम दोस्तों, और इसकी मतलब एक तरीके से कहें तो खराब बात ज़्यादा है, वो है दोस्तों धन विधेयक, है ना, लेकिन हम इसको विशेषता में ही पढ़ेंगे। धन विधेयक का जो प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 110 में करा गया है, और ये आपसे कई बार पूछा भी गया है। लेकिन दोस्तों एक आर्टिकल पढ़ता है 109, और 109 का भी पहला, इसमें कहा गया है दोस्तों कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको तीन विधेयक बताए, वो सबसे पहले राज्यसभा में पारित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि धन विधेयक क्या है। तो धन विधेयक 110 में है, लेकिन 109 में लिखा गया है दोस्तों कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर वहाँ पारित होने के बाद फिर वो पहुँचेगा राज्यसभा। लेकिन दोस्तों राज्यसभा के पास जो बाधाएँ हैं, ये केवल औपचारिकता है दोस्तों, केवल एक नाम मात्र के लिए ही वो राज्यसभा में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, आइए इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे कोई
विधेयक राज्यसभा में गया तो उस ना तो वो उसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन मतलब बदलाव, धन विधेयक गया अगर राज्यसभा चाहे भाई इसमें ये चेंज कर दो तो ऐसा भी नहीं हो सकता दोस्तों, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं होता कि उसमें संशोधन कर सके। फिर दूसरी बात, वो उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकती, मतलब अगर वो कहना चाहे ये हमारी मर्जी का नहीं है हम इसको स्वीकार नहीं करते तो दोस्तों ये अधिकार भी राज्यसभा के पास नहीं है। बस होता क्या है, लोकसभा से पारित होने के बाद 14 दिन के लिए ये दोस्तों राज्यसभा में जाता है। 14 दिन के अंतर्गत अगर कोई प्रतिक्रिया राज्यसभा की तरफ से ना भी दी जाए, मतलब वो उसको दबा करके बैठ जाएं, ना बताएं बिल्कुल भी ठीक है ख़राब है हमें पारित करना है या नहीं करना है, कुछ भी अगर प्रतिक्रिया राज्यसभा की तरफ से नहीं आती है तो 14 दिन के बाद दोस्तों वो बिल स्वतः ही पारित हो जाता है, पारित मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो अपने आप पारित हो जाता है अगर 14 दिन तक राज्यसभा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। तो दोस्तों इसलिए मैंने कहा कि ये विशेषताओं में हम पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन ये इसके लिए एक थोड़ी सी खराब बात साबित होती है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अब लास्ट टॉपिक और पड़ा बचा है, राष्ट्रपति महोदय वर्ष में दो बार राज्यसभा को आहूत करते हैं, मतलब बैठक बुलाते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, दोनों बैठकों के जो अंतराल होगा वो 6 माह से अधिक ना हो पाए, है ना, 6 माह से अधिक ना हो पाए दोनों बैठकों का जो समय अंतराल होता है, वो वर्ष में दो बार राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा को आहूत करते हैं। तो ये थी राज्यसभा के बारे में विशेष बातें। अब दोस्तों एक बात, राज्यसभा का गठन आप ध्यान रखेंगे 3 अप्रैल 1952, अगर पूछा जाए राज्यसभा की पहली बैठक आप याद रखेंगे 13 मई 1952। इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, 3 और 13 ये आपको एक ही जाति के दिखाई दे रहे होंगे, अप्रैल पहले आता है मई बाद में आता है, 3 पहले आता है 13 बाद में आता है, है ना, जो हमारी मैथमेटिक्स संख्याएं होती हैं 3 पहले आता 13 बाद में आता है, अप्रैल पहले आता मई बाद में आता है, तो 3 13 एक ही जाति के आप आराम से याद रख सकते हैं, 3 अप्रैल 1952 13 मई 1952। ठीक है दोस्तों, तो ये गठन था और ये पहली बैठक थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसी तरह के वीडियो में सॉरी दोस्तों बोलते बोलते थोड़ा सा गला खराब हो गया है, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो और पाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों जो मैं लगभग हर वीडियो में आपसे कहता हूं, कोरोना महामारी चल रही है, हमारा देश पीड़ित है, अगर आप चाहते हैं किसी भी गरीब की हेल्प करना, मदद करना, मतलब किसी भी ज़रूरतमंद की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप ऐसा करें, और आप ऐसा करने के बाद वहाँ पर एक फ़ोटो लें अपना हेल्प करते वक्त, फिर उस फोटो को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, फिर हम उसका एक अलग से 2-4 मिनट का वीडियो बना करके आपके बारे में सब कुछ बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ़ोटो के साथ आपका नाम पता एड्रेस अपने बारे में बताना होगा, तो हम 2-4 मिनट का वीडियो अपने चैनल पर दिखाएंगे और बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोस्तों हम आपको मतलब कुछ, केवल आप इसका इतना अर्थ समझें कि हम ये चाहते हैं कि आपको देखकर और समाज भी जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। व्हाट्सएप नंबर अगर आपको लेना है दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना, और कहें कि आप हमारी कही गई बातों का पालन करेंगे। तो दोस्तों तैयारी करते रहें, समाज सेवा करते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।